हेलो दोस्तों, मेरा नाम थरा है और मैं एक सोलो ट्रैवलर हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स कभी कभार कोई ज्वाइन कर ले तो फिर दैट इज़ ऑल्सो फाइन, वरना बस अपना बैकपैक उठाया, टेंट उठाया, चल दिए किसी पहाड़ में, दुनिया से दूर, सबसे दूर। पर एक बात जो मैंने अक्सर देखी है, स्पेशली हमारी सोसाइटी में, कि लड़की हो अकेले कैसे जा सकती हो, कहीं कुछ हो गया तो कैसे डील करोगी, क्या करोगी, अनजान जगह है। सच पूछूं तो मुझे समझ ही नहीं आता है कि लोगों के मन में इतने सारे सवाल जवाब सिर्फ एक लड़की को लेके क्यों आते हैं। अगर कोई लड़का अकेले ट्रैवल करे तो फिर ये सारे सवाल कहाँ गायब हो जाते हैं। वैसे समाज की सच्चाई भी है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन देखो यार, मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बोलूँगी। मैंने आज तक जहाँ कहीं भी अकेले ट्रैवल किया है, अकेले ट्रैक किया है, तो मुझे अपने सारे फैलो ट्रैकर्स से या जो भी लोग मिलते हैं उनसे अप्रिसिएशन ही मिला है। स्पेशली मैं सिर्फ मेंस को या बॉयज़ को फोकस करके यहाँ पे बात करूँ, जिनकी वजह से लड़कियों को अकेले घूमने से रोका जाता है, तो मुझे आज तक जितने भी लोग मिले हैं, जितने भी बॉयज़ मिले हैं, दे ऑल हैव अप्रिशिएटेड मी, और कहीं ना कहीं उन्होंने मेरी सेहत की या मेरे इस जज्बे की या जो भी मुझे पसंद है, जैसे मैं अपने जीवन को जीती हूँ, उसको जानने के बाद उसकी तारीफ ही की है और अप्रिशिएट ही किया है। तो यार, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको सुन रहे हैं, तो आप प्लीज़ अपने बेटियों को, अपनी बहनों को इतना केपेबल बनाइए कि वो अकेले सब कुछ कर सकें, जैसे कि मैं इंजॉय कर रही हूँ।